डीडवाना के बांगड़ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की आज हुई मतगणना के बाद वोटों की गिनती में आए फर्क को लेकर विपक्षी छात्र संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। एनएसयूए के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे भीमसेना और एबीवीपी ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए जबरदस्त ढंग से विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। छात्र संगठनों ने कॉलेज प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए दबाव में काम करने का आरोप लगाया और चुनाव प्रक्रिया और मतदान पर कॉलेज प्रबंधन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। साथ ही दोबारा चुनाव करने की मांग को लेकर बांगड़ कॉलेज में ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि डीडवाना के बांगड़ कॉलेज में आज मतगणना की गई थी, जिसके अनुसार एनएसयूए के मुकेश खिचड़ 742 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर भी एनएसयूए ने जीत हासिल की है। जीत की घोषणा के तुरंत बाद भीमसेना ने वोटों की गिनती में आए फर्क का मुद्दा उठाया और बांगड़ कॉलेज प्रशासन पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया। भीमसेना ने आरोप लगाया कि कल हुए मतदान के दौरान कुल 3,115 वोट पड़े थे, लेकिन मतगणना के दौरान 3,116 मतों की गणना की गई है। वोटों की गिनती में आए फर्क से साफ जाहिर है कि चुनावों में धांधली की गई है। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता भी बांगड़ कॉलेज पहुंच गए और अपना विरोध दर्ज करवाया। दोनों छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि दबाव में चुनाव और मतगणना में धांधली की गई है। छात्र संगठनों ने चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कॉलेज प्रशासन से दोबारा निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की मांग की। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य सहित कॉलेज प्रबंधन ने छात्र संगठनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन छात्र नेता नहीं माने। इसी बीच भीमसेना की अध्यक्ष प्रत्याशी सकीना बानो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना कक्ष के बाहर ही धरने पर बैठ गई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर गतिरोध बरकरार है, क्योंकि कल हमने जब मतदान पेटी को साइन करके सील किया तो उस वक्त उसमें 3115 वोट थे, लेकिन आज जब उसे खोला गया तो उसमें 3116 वोट आई हैं। इससे हमें आपत्ति है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव वापस हो। जब तक ये इसका निश्चित रूप से रिजल्ट नहीं आ जाएगा, हम धरना करते रहेंगे। अनिश्चित रूप से धरना, अनिश्चितकालीन से रूप धरना करेंगे। पूरा मामला ये है कि कल जब चुनाव के मतदान गिरे तब 3115 मत डाले गए, उस पर प्रत्याशी भीमसेना से सकीना बानू के साइन वगैरह सब करवा करूँ कि उनको सील किया गया। 3115 वोट थे। आज जब मतदान गणना हुई तब उसमें 3116 वोट निकले और इसमें 750 के लगभग वोटों से अनुसूया को विजय बनाया। ये सरासर धांधली हुई है। कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबकी मिली भगत थी, और जब तक ये चुनाव दोबारा ना हो और इसका निर्णय नहीं लिया तब तक अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे।